हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइली सोनम अगेन। सो आज का टॉपिक है DIY फेस वॉश, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ इस चीज़ पर और इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं। सो बहुत दिन हो गया, सबसे पहले उसके लिए मुझे लेट हो गया वीडियो बनाने में, बट मैं इस रेमेडी को ट्राई भी कर रही थी एंड देन मैंने डिसाइड किया तो चले फिर फाइनली इस चीज़ पर वीडियो बनाना बनता है। सो ये एक ऐसा DIY रेमेडी है, फेस वॉश है, जो मैंने घर में बनाया है, जो कि केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है फॉर ऑल स्किन टाइप, कोई भी इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। इवन मैन वुमेन हर कोई इसे यूज़ कर सकता है एंड इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है जो मैं आपको आगे चल के अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि फेस वॉश की बात हो रही थी, फेस वॉश मार्केट में आजकल अगर आप देखने जाओगे तो एंड नंबर ऑफ फेस वॉश आपको मिलेगा। अभी तो नया नया एक ऐसा ट्रेंड निकला है जो मैंने नोटिस किया है, पता नहीं काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, हर फेस वॉश में लिखा होता है फॉर ऑल स्किन टाइप। ऐसे काफ़ी फेस वॉश होते हैं जो ऑल स्किन टाइप लिखने के बावजूद वो मेरे स्किन पर सूट नहीं होते। प्रोडक्ट बेचने का भी एक तरीका होता है गाइस, बट यहाँ पे जो रेमेडी मैंने शेयर किया है इसका मैं 110% आपको बोल सकती हूँ ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, सभी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं एंड इसे बनाना बहुत ईजी है। ये जो प्रोडक्ट है वो आप ईजिली अपने पास रूम टेम्परेचर में भी 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। यस, आपको फ्रिज में स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में रूम टेम्परेचर में इसे स्टोर कर दीजिए। एवरी मॉर्निंग जब भी आप फेस वॉश करते हो या कभी भी आपको फेस वॉश करना है ना सोने से पहले भी, आप इस फेस वॉश को ईजिली अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे। इसके इफ़ेक्ट्स, इसके जो रिजल्ट्स है आपको विद इन 15 days में ही मिल जाएंगे। अगर आपको स्किन में कोई एक्ने, पिंपल, हाइपरपिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स, ये सारी चीज़ों की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो ये फेस वॉश से आपके वो सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अमेजिंग फेस वॉश है जो आपने घर में ही बनाना है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो को देखिएगा मैंने किस तरह से इस रेमेडी को बनाया है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल होगा या कोई कन्फ्यूजन होगा यू कैन ऑलवेज कॉमेंट मी एंड आई विल बी ऑलवेज देयर टू आंसर यू बैक। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले एक एम्प्टी सा प्लेट ले लीजिए जिसमें आप अपने सारा सामान डाल सके। उसके में आपको डालना है ग्राम फ्लोर बेसन 2 टेबलस्पून, मसूर दाल पाउडर 1 टेबलस्पून, राइस फ्लावर 3 टेबलस्पून, चंदन पाउडर 1 टेबलस्पून, रोज पेटल पाउडर 1/2 टेबलस्पून और वाइल्ड टर्मरिक 1 टेबलस्पून। इसमें अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो अपने हिसाब से आप अंदाज़ा लगाकर क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, बट जैसे जैसे मैंने टेबलस्पून बताए हैं उसी तरह से आपको इसे मिक्स करना है, ये मेक श्योर कीजिएगा। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है आपको। मैंने यहाँ पर 1 नहीं 3 दफ़ा यहाँ पर इस चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। सबसे पहले मैंने इसे टेबल लाइक इसे प्लेट में मिक्स किया है 2 to 3 times। फिर एक बाउल ले लीजिए, बाउल में उसे डाल दीजिए। बाउल में डालने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद मैंने इसे टाइट कंटेनर में डाला है। फिर टाइट कंटेनर में डालने के बाद भी मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है, उस डब्बे को अच्छी तरह से हिलाया है ताकि पूरी तरह से चीज़ें जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि जब आप इसे यूज़ करें तो सारी चीज़ें आपके फेस पे बराबर बैठे। तो ये आपका पाउडर रेडी हो जाता है। सबसे पहले आप इसे फेस वॉश कैसे यूज़ कर सकते हो, 1/2 टेबल स्पून लेना है मॉर्निंग में, ऐड वाटर एंड इस तरह से आप मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम एज अ फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। हाथ में इस तरह से रब करते समय आपको इस तरह से कंसिस्टेंसी दिखेगी, इसका मतलब आप इसे एज अ फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। फेस वॉश के साथ साथ ये माइल्ड स्क्रबिंग भी कर देता है आपके स्किन में बिकॉज ऑफ द राइस फ्लावर। इसे आप मॉर्निंग नाइट जब भी फेस वॉश करते हो यूज़ कर सकते हो ईजिली। इंस्टेंटली आई कैन गारंटी यू आपका स्किन सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। जेंटली करना है आपको, ज़्यादा हार्श या ज़्यादा ज़ोर से आपको रब नहीं करना है। प्रेगनेंसी सेफ है, ब्रेस्ट फीडिंग सेफ है, ब्राइडल, इवन द ब्राइडल 7 days जो ब्राइडल आप स्किन केयर करते हो आप उसमें भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर्ड रेमेडी है, कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसे हर कोई यूज़ कर सकता है। विद इन 7 days इतना अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा दैट यू कांट इमेजिन गाइस, ट्रस्ट मी। ये 1 time में ही आप देख रहे हो, मैं तो इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा रिजल्ट मिला है। स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है, कहीं फंक्शंस या पार्टी में भी जाते हो तो आप इसे एज अ फेस
पैक भी इसे अप्लाई कर सकते हो। एज अ फेस पैक आपको 1 टेबल स्पून पाउडर लेना है, ड्राई स्किन वाले एलोवेरा जेल ऐड कीजिए, कॉम्बिनेशन स्किन वाले योगर्ट या दही ले लीजिए, सेंसिटिव स्किन वाले रोज़ वाटर या हनी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे एज अ पेस्ट रेडी कीजिए एंड देन अपने पूरे फेस में आराम से इसे अपने पूरे फेस पे लगा दीजिए। फंक्शंस, पार्टी, वेडिंग, कहाँ भी अगर आपको अटेंड करना है, आप पार्लर नहीं जा पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप इस फेस पैक को लगाइए। आई कैन सीरियसली टेल यू, पार्लर का फेशियल भी आपके सामने कुछ नहीं रहेगा, इसका ग्लो इतना अच्छा और इतना अमेजिंग आता है। ट्वाइस अ वीक आप इस फेस पैक को लगा सकते हो, 20 मिनट्स अपने फेस पे रखकर आप फेस वॉश कर लीजिए। बेस्ट टाइम इसे लगाने का है रात का टाइम, बिकॉज जब आप रात में इसे लगाते हो और अपना मॉइस्चराइजर लगा के सो जाते हो, नेक्स्ट मॉर्निंग आपका स्किन ग्लो करता है एज अ बेबी स्किन, आपका टैन रिमूवल करता है, अनइवन स्किन टोन है तो उसे ईजिली रिमूव करता है। यू कैन सी विद इन 20 मिनट्स मेरा स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, अमेजिंग स्किन केयर हो जाता है ऑन अ बजट। ज़रूरी नहीं है कि आपका स्किन केयर एक्सपेंसिव होना चाहिए, जस्ट दैट आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने फेस पे क्या लगाना है। ऑन अ बजट भी आप अपने स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हो। सो आई एम डेफिनेटली श्योर आप इस चीज़ को ज़रूर लगाना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ आई एम श्योर कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी काफ़ी ज़्यादा DIY रेमेडीज़ देखने को मिले। इसके साथ साथ मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय नाउ।